रैसलिंग फैडरेशन के सबका प्रधान बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला पहलवाना दे नाल शोषण मामले च दिल्ली की अदालत ने तलब किया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह अते कुश्ती फैडरेशन के सबका सहायक सकत्तर विनोद तोमर नू दिल्ली की राउज एवन्यू अदालत ने 7 जुलाई नू समन जारी कर 18 जुलाई नू पेश होने के हुक्म दिते ने। दिल्ली की राउज एवन्यू अदालत ने 6 महिला पहलवाना दे वलों ब्रिजभूषण शरण सिंह ते लाए इल्जामा बाद मामले च दायर चार्जशीट ते नोटिस लेंदिया यह फैसला लिया है। पुलिस ने चार्जशीट च ब्रिजभूषण शरण सिंह खिलाफ IPC की धारा 354, 354A, 354D अते विनोद तोमर के खिलाफ IPC धारा 109, 354, 354A 506 तहत आरोप लगाए ने। IPC की धारा 354 च वध तो वध 5 साल की सज़ा की व्यवस्था है। यह गैर जमानती धारा है। 354A तहत वध तो वध 1 साल की सज़ा की व्यवस्था है। एक जमानती धारा है। पिछली सुनवाई दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस तो CDR रिपोर्ट मंगी सी। राउज एवन्यू अदालत ने 1 जुलाई नूं हुई सुनवाई च कहा सी कि चार्जशीट 1500 पेज की है, इसलिए पढ़न दे विच समां लग रहा है। दिल्ली पुलिस ने 6 वार के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून को जिनसी शोषण अपराधिक धमकी और पिछा करने के इल्जाम चार्जशीट दायर की सी। पहलवाना ने सब तो पहला इस साल जनवरी महीने च ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है और वो अपने स्टैंड से कायम ने। उन्होंने कहा कि जेकर आरोप साबित होए तो खुद फांसी से लटक जाएंगे। देश का माण वधाउण वाले ये पहलवान ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने प्रदर्शन से डटे सन। हालांकि इस मामले च हुण अदालत ने ब्रिजभूषण शरण सिंह नूं तलब किया है।